हे व्हाट्सअप यू गाइस, दिस इज प्रखर कुलश्रेष्ठ फ्रॉम कैश इन्फ्लुएंसर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप फेसबुक का यूज करके अपने सेफ शॉप टारगेट को क्वालिफाई करें। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक का यूज करके भी आप अपने टारगेट को बहुत जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं। वो आप कैसे कर पाएंगे, उसी के बारे में ये वीडियो है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। तो वेलकम बैक गाइस। देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि आप फेसबुक का यूज करके आप अपने सेफ शॉप टारगेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कैसे करेंगे, वो करेंगे आप अपना फैन पेज बना करके। जी हाँ दोस्तों, दो चीजें होती हैं, पहली फेसबुक प्रोफाइल और दूसरा फेसबुक फैन पेज। तो आपने शायद प्रोफाइल तो पहले से आपने बना रखी होगी, जिसपे आपके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे, आपकी फ्रेंड लिस्ट होगी, हो सकता है 100, 200, 500, 1000, 1200 जितने भी हों। मेरे केस में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 5000 लोगों की फ्रेंड लिस्ट है फेसबुक पर, मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं। तो आपके शायद कुछ और होंगे, 1000 हो सकते हैं, 2000 या कितने भी हों, या ये भी हो सकता है कि शायद आपके भी मेरी तरह 5000 फ्रेंड्स हों। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमें अपनी प्रोफाइल से कुछ भी नहीं करना है, हमें एक अलग स्पेशल फैन पेज बनाना होगा अपना। जी हाँ दोस्तों, फैन पेज का नाम जब आप चूज करेंगे तो वहां पर सबसे पहले आप अपना नाम लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम राहुल है तो आप अपना लिखिए नाम पहले राहुल, और राहुल के बाद आपकी कंपनी का नाम, यानी दो नाम हो गए, पहला आपका राहुल और राहुल के बाद आपकी कंपनी का नाम। जी हाँ दोस्तों, ये करने के बाद में आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल के अबाउट सेक्शन में जाना है और उसमें अपना इंट्रोडक्शन देना है कि आप क्या करते हैं। फिर उसके बाद उसी में लिखना है कि आपका बिजनेस किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकता है। ये दो चीज़ें लिखनी है। इसके अलावा फिर आपको करनी है अपनी डीपी सेट। डीपी यानी कि डिस्प्ले पिक्चर, जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है उसको सेट करना है। वो ऐसे सेट कीजिएगा जहाँ पर आपका फोटो हो, अच्छे से कपड़े पहन रखे हों, जहाँ पर आप प्रोफेशनल दिख रहे हों, और पीछे जो बैकग्राउंड हो वो आपकी कंपनी का हो, या फिर किसी ऐसे फंक्शन का हो जिसमें आप आगे खड़े हो और पीछे फंक्शन हो रहा हो, या फिर आपका जो कंपनी का मेन हेड ऑफिस है वहां पर आपने खड़े होकर के कोई फोटो लिया हो, उसको आप उस प्रोफाइल पिक्चर की तरह यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपने दो काम कर लिए। पहला आपने फैन पेज बना लिया, उसका नाम क्या रखा, अपना नाम के बाद में आपकी कंपनी का नाम। फिर उसके बाद में आपने क्या किया, कुछ अपना एक फोटो लगाया प्रोफाइल पिक्चर, जहाँ पर कोई पीछे बैकग्राउंड आपके फंक्शन का है, या आपके बिजनेस का है, या फिर आपके ऑफिस का है, या फिर आपके जो बिजनेस है उसके हेडक्वार्टर का है, हेड ऑफिस का है। और फिर इसके अलावा आपको कुछ पोस्ट करनी होगी, 2-4 ऐसी फोटोज जो आपके फंक्शन की हों, जो आप किसी लीडर से जरूर मिले हों तो उसकी जरूर कीजिएगा, और किसी फंक्शन को अटेंड किया हो तो उस पूरे फंक्शन की कोई वीडियो अगर आपके पास हो तो 1-2 वीडियो भी पोस्ट कर दीजिए और अपने फैन पेज पर वहाँ पर लगा दीजिए। और एक कॉल टू एक्शन दीजिए, CTA यानी कॉल टू एक्शन, कि कोई अगर आपसे बात करना चाहे, कोई मिलना चाहे तो क्या करे, मैसेज करे, कॉल करे, आपकी वीडियो देखे, या क्या करे, इस तरह का एक कॉल टू एक्शन जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों, इतना करने के बाद में आपका फैन पेज पूरा तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, आपको अपने फेसबुक पेज पर क्या शेयर करना है वो आप जरा जान लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको शेयर करने होंगे कुछ ऐसे आर्टिकल्स, कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज जो कि पढ़ने वाले को एकदम मोटिवेट कर दे, जब कोई उसको आकर के पढ़े तो एकदम मोटिवेट हो जाए और सोचने लगे कि यार अब तो मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं जैसा जीवन पहले जी रहा था ऐसा नहीं जीऊंगा, मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे एक अच्छा जीवन जीना है। तो इसके लिए वो मजबूर हो जाए, इस तरह की कुछ आप मोटिवेशनल स्टोरी, कोई मोटिवेशनल इमेज, कोई मोटिवेशनल आर्टिकल जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इसके अलावा आप शेयर कर सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में, अपनी ग्रोथ, कि पहले आप कहाँ थे, फिर आप कहाँ पहुँचे, फिर आपका कितना प्रमोशन हुआ, फिर आप किस अचीवमेंट पर पहुँचे हैं। इसके अलावा आपको शेयर करने होंगे कुछ मोटिवेशनल कोट्स, जो कि ये करना होगा आपको रोज़ सुबह सवेरे, सुबह जब आप उठते हैं तो लगभग 5-6 बजे कोई ऐसी एक इमेज पोस्ट कर दीजिए जो एकदम मोटिवेशनल हो, ग्रीनरी से भरपूर हो, और उस पर लिखी हो कुछ 2 मीठी सी लाइनें जो कि एकदम इंसान के दिल को छू के चली जाएं। दोस्तों, जब कोई इसको पढ़ेगा तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए, इस तरह की वो मोटिवेशनल कोट्स होनी चाहिए। वो जो 2 लाइनें या 4 लाइनें आप लिखें वो ऐसी हों कि कोई इसको पढ़े तो तुरंत उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, और फिर वो कमेंट में ज़रूर लिखे कि भाई कितनी अच्छी लाइनें हैं, या कुछ कमेंट में ज़रूर इस तरह का अच्छा सा लिखे। अब दोस्तों, इसके अलावा आप शेयर कर सकते हैं अपनी रिसर्च की स्टडीज़, जो आपने रिसर्च किया है या जो और लोगों ने रिसर्च किया है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कब हुई, नेटवर्क मार्केटिंग को कितने लोगों ने कौन सी साल में जोड़ा, और अब नेटवर्क मार्केटिंग का क्या स्कोप चल रहा है, और आगे आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा होने वाला है, इसके बारे में कुछ आप इमेजेस, कुछ इसके बारे में लिखा हुआ, या फिर आप कोई इमेज कुछ भी आप वहाँ पर पोस्ट ज़रूर कीजिएगा। अब दोस्तों, इसके अलावा 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहला इमेजेस
और दूसरी वीडियोस। इमेजेस किसकी, इमेजेस आपकी होनी चाहिए, वो इमेजेस ऐसी होनी चाहिए जो आपने किसी अपने लीडर के साथ में खिंचवाई हो, चाहे वो आपने सेल्फी ली हो, चाहे आप किसी और से खिंचवा के लेकर के आए हों। तो इस तरह की जो फोटोज हों उनको आप ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। प्लस इसके अलावा जो आपने कोई अगर फंक्शन अटेंड किया है, कोई सेमिनार अटेंड किया है, कोई इस तरह का बड़ा टूर अटेंड किया है, तो उसकी वीडियोज अगर आपके पास हों तो वो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ध्यान रहे इतना कि वो वीडियो जो है वो आपकी खुद की होनी चाहिए, लेकिन अगर उस वीडियो में आप नहीं हैं तो आपका मोटिवेशनल जो स्पीकर है, जो आपके बिजनेस का लीडर है, वो होना चाहिए। प्लस बीच में कभी कभी आप भी उसमें नजर आए हों, इस तरह का वीडियो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर उस वीडियो में आप नहीं हुए तो उस व्यक्ति को नहीं पता चलेगा कि ये पेज तो आपका है लेकिन आप इस वीडियो में है ही नहीं। तो इसलिए आपको ये ज़रूरी है कम से कम एक दो बार तो उस वीडियो में आप ज़रूर आए हों, इस तरह की वीडियो को वहाँ पर पोस्ट कीजिएगा। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें आपने कैसी पोस्ट की, अपने बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट की। आपने इमेज डाली आपके बिजनेस की, आपने वीडियो डाली आपके बिजनेस की, आपने मोटिवेशनल कोर्स डाले अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपने इसके अलावा कैसी शेयर की कुछ आर्टिकल्स, किसके लिए, अपने बिजनेस के लिए, आपने कैसी शेयर की कुछ रिसर्चेज कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और कितना बढ़ता चला गया और आगे कितना बढ़ता चला गया, ये सारी चीज़ें रिलेटेड थी आपके बिजनेस से। अब इसके अलावा थोड़ी सी आपको एक चीज़ और पोस्ट करनी होगी, वो है यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी हंसी ला सकें। हो सकता है इसके लिए शायद आपको कोई जोक पोस्ट करना पड़े, या फिर आपको ऐसी छोटी सी क्लिप एक दो मिनट की पोस्ट कर दीजिए जिससे लोगों के चेहरे पर हंसी आ जाए, क्योंकि दोस्तों एंटरटेनमेंट और एन्जॉयमेंट बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सिर्फ बिजनेस का ही वो देखता जाए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट सपोज कीजिए अगर बिजनेस से थोड़ा सा हटा और अगर उसको कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ दिख गई तो वो एंटरटेनमेंट की वजह से भी आपके पास में आ सकता है। हो सकता है शायद वो आपकी वीडियो को देख करके एकदम खुश हो जाए, यार इस वीडियो में तो एकदम डांस वांस हो रहा है, डीजे वीजे चल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, और इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए वो आपके पास आता रहे। तो ये चीज़ आप वहाँ पर ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, यानी कि फनी स्टफ, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आ जाए, उसको अच्छा लगे, थोड़ा सा खिलखिला उठे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको लोगों को अपने पेज पर लाना है। अब वो कैसे लाएंगे, वो उसका तरीका मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप कोई ऐसा ग्रुप चूज़ कीजिए जहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर एक ही जगह पर इकट्ठे होते हों। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक पर आपको ऐसे काफ़ी सारे पेजेस मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स भी मिल जाएंगे जहाँ पर नेटवर्क मार्केटर एक दूसरे की बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं या एक दूसरे को अपने बिजनेस के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। इस तरह के आप ग्रुप को ढूंढिए, या फिर अगर आपको ऐसा ग्रुप नहीं मिलता तो आप ढूंढिए एक मोटिवेशनल ग्रुप, मैं कहूँगा एक नहीं एक से ज़्यादा आप ढूंढ लीजिए तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप लगभग ऐसे 4-5 मोटिवेशनल ग्रुप्स ढूंढ लीजिए जहाँ पर लोग नई नई चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं, जैसे कि पॉजिटिव थॉट्स हो गई, मोटिवेशनल कुछ बातें हो गई, किसी की कोई अपनी पर्सनल स्टोरी हो गई, यानी कुछ मोटिवेशनल जो ग्रुप्स हैं उस तरह के ग्रुप को जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपको क्या करना होगा, आप देखिए कि कौन कौन व्यक्ति किस किस तरह की पोस्ट को वहाँ पर डाल रहा है, और जहाँ आपको लगे कि भाई इस व्यक्ति ने मेरे बिजनेस जैसी पोस्ट डाली है, वहीं पर आप फटाफट से उसको क्लिक कर लीजिए, तुरंत उसके पास पहुँच जाइए और उसकी प्रोफाइल पर जाकर के फटाफट से उसको फोटो उसके देखिए और उसके बारे में जानिए कि भाई उसने अपनी प्रोफाइल पर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग करता है ये भी, या बिजनेसमैन है, या फिर ये लॉयर है, या फिर डॉक्टर है, क्या है उसकी प्रोफाइल पे जा करके देखिए। प्लस इसके अलावा आप उसकी पिक्चर्स देखिए, आपने उसने जो है अपनी प्रोफाइल पे किस तरह की पिक्चर्स डाली हुई हैं। अगर आप उसकी प्रोफाइल से सेटिस्फाई हैं, सेटिस्फाई मतलब इन द सेंस ऑफ आपने उसका पढ़ लिया कि ये क्या करता है, लॉयर है, डॉक्टर है, या वकील है, या कब से कर रहा है, तो इसके बारे में आपने जान लिया। प्लस इसके अलावा आपने देखी उसकी फ़ोटोज़, उसकी फ़ोटोज़ ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ा सा मुस्कराता हुआ हो, जो एकदम खुशी का इजहार करता हुआ हो, जो थोड़ा सा खुश नज़र आए, यानी कि एक पॉजिटिव पर्सन हो। तो अगर ये दो चीज़ें उसके पास हैं, उसकी प्रोफाइल से आपको मिल जाती हैं, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति डन, चेक गया आपके लिए, यानी आप उस व्यक्ति से बातें कर सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में, क्योंकि उस व्यक्ति की लाइफ में खुशी भी है और उस व्यक्ति की लाइफ में एक अच्छा प्रोफेशन भी है। तो बस आपको क्या करना होगा, इसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है, और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हर कोई तैयार रहता है, तो बस आप उससे बात करना शुरू कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पहले दिन गए, फटाफट से पहले दिन आपने रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट भी कर ली और आपने क्या किया, सीधे अपना धड़ाक से प्लान भेज दिया। नहीं दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे तो रिक्वेस्ट भेजने के बाद में आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है छोटा सा, कि आप क्या करते हैं और किस तरह के बिजनेस
करते हैं या फिर आप किस तरह से उस व्यक्ति को फायदा पहुंचा सकते हैं, इस बारे में आप उसको जरूर बताइएगा। और आप बताइए अपना नाम, नाम के साथ में बताइए लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है राहुल और राहुल रहते हैं आगरा में और क्या करते हैं, वो नेटवर्क मार्केटर हैं, तो बताइए कि मैं राहुल हूँ आगरा से हूँ और एक नेटवर्क मार्केटर हूँ, या फिर मैं राहुल हूँ आगरा से हूँ और मैं एक लॉयर हूँ। तो जो भी आपको प्रोफेशन है वो वहाँ पर आप उनको बताइएगा। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्लान नहीं भेजना, डायरेक्ट प्लान ना भेज करके आपको 2-3 दिन तक उससे फ्रेंडशिप बनानी है, अच्छे रिलेशंस आपस में बनाने हैं। इस तरह से समझिए जैसे कि आपको एक नया दोस्त बना रहे हो, तो उसको अपना एक नया दोस्त बनाइए और उसके बाद फिर आप उससे पूछिए FORM। जी हाँ दोस्तों, FORM फॉर्म। फैमिली कैसी है, उससे फैमिली के बारे में पूछिए, उससे पूछिए आपका ऑक्यूपेशन कैसा चल रहा है, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, फिर पूछिए रिक्रिएशन के बारे में कि भाई आप जो है कहाँ कहाँ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, कहाँ पर मनोरंजन के लिए आप जाते हैं, पिछली बार मनोरंजन कब किया था, या कहीं ऐसी जगह गए हो तो बताइए, कहीं टूर पे या मूवी देखने या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर आपने छुट्टियाँ बताई हों, इसके बारे में पूछिए। फिर इसके बाद आप सबसे लास्ट में पूछिए मनी मेकिंग के बारे में, यानी कि सर आपको कितना पैसा मिल जाता होगा और या फिर कितना आप बचा लेते होंगे, यानी सेविंग्स के बारे में आप ज़रूर पूछिएगा। तो ये चार चीज़ें पूछी हैं, FORM चार पूछनी है, कि फैमिली कैसी है, उसके बाद में पूछिए ऑक्यूपेशन कैसा चल रहा है, फिर उसके बाद में पूछिए रिक्रिएशन के लिए लास्ट टाइम कहाँ गए थे, और फिर पूछिए M कि कितना मनी आप सेव कर लेते हैं। इसी से आपको दोस्तों पता चलेगा कि सामने वाले व्यक्ति को आपके बिजनेस की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि ये तो आपको भी मालूम है कि 2020 आने वाली है और लगभग वहाँ पर 1 लाख रुपये की इनकम मिनिमम होनी चाहिए एक परिवार के खर्चे के लिए। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस बिजनेस को मैं इस व्यक्ति को प्रमोट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी टिप्स जिसकी वजह से आप उसको अपना फ्रेंड बना लेंगे, और जब 2-4 दिन ऐसे हो जाएं आपको फ्रेंड बना करके, तो फिर आप उसके साथ में अपना प्लान शेयर कर दीजिए। चाहे तो आप उसको डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पर ले जाइए, चाहे आप पूरा लिखा हुआ प्लान उसको शेयर कर दीजिए, चाहे तो आप फेसबुक पर उसको अपना इमेजेस भी भेज सकते हैं, अपने बिजनेस की इमेजेस, पूरा प्लान, मतलब सब कुछ अब तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। बंदा तभी ज्वाइन करता है जब उसको आप पर ट्रस्ट हो जाता है, यानी भरोसा बन जाता है, और भरोसा आप पहले ही बना चुके हैं, क्योंकि आपने पहले ही दिन उसको ये नहीं किया कि डायरेक्ट मैंने प्लान भेज दिया हो, आपने क्या किया उससे दोस्ती बढ़ाई, उसका इंट्रोडक्शन लिया, अपना इंट्रोडक्शन लिया, एक दूसरे से नंबर शेयर किए, है ना, फिर उसके बाद में आपने क्या किया अच्छे से एक दूसरे से मोटिवेशनल बातें भी की और फैमिली से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड भी आपने बातें की, तब जा कर के कहीं आपने उसको अपना प्लान शेयर किया है, यानी आपने पहले बना लिया था भरोसा, फिर उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें शेयर की। तो हो सकता है शायद वो आपका इसी नेचर की वजह से कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें करता है, मोटिवेशनल बातें करता है, लाइफ के बारे में भी इसको बहुत जानकारी है, तो चलो मैं ऐसे बिजनेस को ज्वाइन कर लेता हूँ, और अगर ऐसा व्यक्ति मेरे साथ में रहेगा तो ज़रूर मेरा कुछ हो जाएगा, मैं भी अपनी लाइफ को बदल लूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये मैंने एक पर्सन का प्रोसेस बताया है, इसी तरीके से प्रोसेस आपको अपनाना है बहुत सारे लोगों को, यानी आप एक दिन में क्या करेंगे, पहले ही दिन जैसे आज आपने ये वीडियो देखी है तो फैन पेज बनाइए फेसबुक पर, और फिर वहीं से आप देखिए एक ग्रुप पर जाइए जो कि एक मोटिवेशनल ग्रुप हो, जहां पर पॉजिटिव बातें की जाती हों या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बातें की जाती हों, तो वहां पर जाकर के आप लोगों की पोस्ट देखिए, किसने सबसे ज़्यादा पोस्ट की है और किसकी पोस्ट पर सबसे ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, तो उस तरह के लोगों को जाकर के आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए तो उसके बाद में आप उनसे कांटेक्ट करना शुरू कर दीजिए, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपकी लिस्ट बड़ी होती चली जाएगी, और एक दिन में इस तरह से आप ज़्यादा नहीं सिर्फ 20 लोगों को रिक्वेस्ट भेजें, कितने लोगों को दोस्तों 20 लोगों को, सिर्फ 20 लोगों को रिक्वेस्ट भेजें, और एक महीने में आप देखेंगे कि आपके पास कितनी हो जाएगी, 600 रिक्वेस्ट हो जाएंगी, यानी 600 लोग आपके पास में हो जाएंगे आपके कॉन्टैक्ट्स में, और उन कॉन्टैक्ट्स को आपको कहाँ लेकर के आना होता है धीरे धीरे करके, अपने फैन पेज पर, यानी एक महीने में आपके 600 लोग फ्रेंड लिस्ट में जुड़ जाएंगे और उन्हीं 600 को आप सीधे फैन पेज पर ले जाएंगे, और फैन पेज पर आपने क्या शेयर किया हुआ है, अपने बिजनेस की टारगेट्स, अपने बिजनेस की कमाई, अपने बिजनेस के लीडर्स की स्पीच, अपने बिजनेस के लीडर्स की फ़ोटो, आपकी अपनी फ़ोटो, फंक्शंस, ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स, और भी बहुत कुछ जो कि आपके बिजनेस को प्रूव कर देता है कि आपका बिजनेस एक लीगल बिजनेस है और आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है और उसमें आपका भी एक अच्छा रोल है, आप वहाँ से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बस धीरे धीरे करके उनसे दोस्ती करनी है और धीरे धीरे करके उनको अपने फैन पेज पर लेकर के आना है।
तो बस जैसे ही वो आपके फैन पेज पर आते जाएंगे धीरे धीरे करके ये संख्या बढ़ती जाएगी और आपकी फैन पेज पर लाइक्स भी बढ़ते जाएंगे, लोगों के कमेंट्स बढ़ते जाएंगे और इसी तरह से लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन करते चले जाएंगे। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि आपको एक दिन में कितनी बार पोस्ट करना है। आपको एक दिन में फेसबुक पेज पर और अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर कम से कम 3 बार पोस्ट करना है। 3 चीज़ें क्या क्या, पहली हो सकती है एक गुड मॉर्निंग, जैसे सुबह सुबह उठी तब यह गुड मॉर्निंग वाली कोई अच्छी सी इमेज जो कि एक मोटिवेशन से भरी हुई हो। दूसरा एक दोपहर में आपको शेयर करनी है कोई भी अपनी इमेज और तीसरा शाम के वक्त में आपको पोस्ट करनी है एक ऐसी वीडियो जो लोगों को एकदम मोटिवेट कर दे। वो वीडियो आपकी अपनी हो सकती है, वो किसी सेमिनार की हो सकती है या वो आपके अपने लीडर की हो सकती है, आपके बिजनेस लीडर की या आपके बिजनेस डायरेक्टर की। तो ये 3 चीज़ें आपको पोस्ट करनी है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग वाला एक मैसेज या पोस्ट और दूसरा फिर एक इमेज दोपहर को और शाम को फिर एक ये वीडियो। तो दोस्तों बस ये 3 चीज़ें करते ही आपका जो बिजनेस है अपने आप धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा और फेसबुक की हेल्प से बहुत आसान हो जाएगा लोगों तक पहुंचना, क्योंकि लोग क्या करते हैं खुद इस तरह की चीज़ों को अपने आप ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं से मुझे ऐसा मौका मिल जाए जहां से मुझे अर्निंग्स का सोर्स मिल जाए और मैं पैसा कमा करके फाइनेंशियली फ्री हो सकूं। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली 3 महत्वपूर्ण बातें, नंबर 1 बी ऑथेंटिक। आप जो हैं वही चीज़ उनको वहाँ पर दिखाइए, कभी भी कोई झूठी चीज़ या गलत चीज़ वहाँ पर लोगों को मत दिखाइए। जैसे आप दिखते हैं वैसे ही आप उनको वहाँ दिखने चाहिए। आपकी जो रियल लाइफ स्टाइल है वही आप वहाँ पर उन लोगों को दिखाइए। जैसा आपका घर हो घर के सामने फ़ोटो खींचिए, आप वहाँ पर पोस्ट कर दीजिए। कभी ऐसा मत कीजिए कि आपने गए किसी और अच्छे से आपने घर को देखा और उसके सामने खड़े होकर के सेल्फी ले ली और वहाँ पर पोस्ट कर दिया। कोई अगर फंक्शन वगैरह है किसी होटल वगैरह में तो वो चीज़ एक अलग है, लेकिन जो चीज़ रियल है वो चीज़ आप लोगों को ज़रूर दिखाइएगा। कभी भी उनके साथ में धोखा मत कीजिएगा, कभी भी उनका भरोसा मत तोड़िएगा। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बी ब्रांड, बी एन एक्सपर्ट। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपना खुद का एक ब्रांड बनाना है। खुद का एक ब्रांड बनाने का मतलब है ये नहीं कि हर बार उठाया आपने किसी और का वीडियो धड़ाक से पोस्ट कर दिया अपने पेज पर, फिर किसी और लीडर का उठाया धड़ाक से पोस्ट कर दिया अपने पेज पर। नहीं दोस्तों, आपको वहाँ पर खुद की पर्सनल ब्रांड बनानी होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब आपके फैन पेज पर आया है तो आपको देख करके आता है, आपकी पहचान को देख करके आता है। तो इसलिए वहाँ पर कुछ आपकी वीडियोज़ भी ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो लोगों को मोटिवेट कर सकें, आपके कुछ इमेजेस भी ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को लगेगा कि भाई आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं और आप उनके लिए हेल्प कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा आपको क्या करना होगा, अपना एक ग्रुप बनाना होगा। अब जो आप ग्रुप बनाएंगे वो किन लोगों का ग्रुप बनाएंगे, वो उन लोगों का ग्रुप बनाएंगे जिसमें आपके ये जो 600 लोग थे, 600 लोग आपके फैन पेज पर आए और उन फैन पेज में से जो ज़्यादा एक्टिव लोग हैं, जो हर आपकी पोस्ट को फॉलो करते हैं, जो भी कुछ आप पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज पर उसको लाइक करते हैं और उस पर कमेंट करते हैं, उन लोगों को उठा करके उस ग्रुप में आपको डालना है। और उस ग्रुप में डालेंगे तो वहाँ पर आप खुद होंगे और वो लोग होंगे, प्लस एक आपका हुआ कोई भी इम्पोर्टेंट ऐसा तेज तर्रार फर्राटेदार वाला लीडर। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लीडर जो हर किसी को कन्विंस कर सके, इस तरह का लीडर एक उस ग्रुप में ज़रूर होना चाहिए। आप एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं उस ग्रुप में और वो लीडर ऐसा होना चाहिए जो कि एक्टिव लीडर हो, ना कि ऐसा कि भाई जो सुस्त रहता हो, अरे ठीक है हो जाएगा कोई बात नहीं, ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए। तो एकदम एक्टिव अपलाइन होना चाहिए, एक्टिव लीडर होना चाहिए उस ग्रुप में। तो यहाँ पर ये जो आपका एक्टिव लीडर है और आप हैं वही उस ग्रुप को संभालने चाहिए और किसी और को परमिशन नहीं देनी चाहिए कुछ भी पोस्ट करने की या कुछ भी उल्टा सीधा वहाँ पर लिखने की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मुझे उम्मीद है कि शायद अब आप फेसबुक फैन पेज अपना ज़रूर बनाएंगे और उसका इस्तेमाल करके अपने शेप शॉप टारगेट को क्वालिफाई करने में अपनी मदद करेंगे और अपनी टीम की भी इसी तरह से मदद करेंगे। तो दोस्तों अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट क्वालिफाई कराने के लिए ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि फेसबुक का यूज़ करके भी आप टारगेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो आपको बता दें दिस चैनल इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी, हाउ टू क्रिएट ए पैसिव इनकम फॉर यू सो दैट यू कैन क्रिएट ए लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम, बोथ मनी फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। तो इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसको देख सकें तुरंत सबसे पहले। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो अपने
फेसबुक पेज पर पोस्ट करना चाहते हैं तो बेधड़क कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और जो भी जितने भी लोग चाहें उतने लोग मेरी वीडियोस को अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से फेसबुक का यूज़ करना आपके टारगेट को क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड गुड बाय। कीप अर्निंग वाइल लर्निंग, ऑल द बेस्ट। टारगेट क्वालिफाई जरूर कीजिए फेसबुक की मदद लेकर के।